टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर बुलंदशहर के एक मदरसे में टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कराई गई है। मदरसे के छात्रों और शिक्षकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ की है। आपको बता दें कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और दुआ के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया उतरी है और टीम इंडिया इस वक्त बेहतरीन प्रदर्शन फिलहाल करती हुई भी नजर आ रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ते हुए एक महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान दिया है, तो वही भारत की जीत के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। अगली खबर बदायूं से है, जहां बंदर ने विषाक्त पदार्थ का पाउच खेल रहे बच्चे के सामने डाल दिया। मासूम बच्चों ने चूरन समझकर उसे खाया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरेन कस्बे का है, जहां बच्चे खेल रहे थे तभी बंदर ने एक पाउच कहीं से लाकर डाल दिया। दो बच्चों ने चूरन समझकर पाउच फाड़कर खा लिया। वही जब बच्चों को के द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की जानकारी हुई तो आनन फानन में इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज किया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ नहीं, वो बच्चे खेल रहे थे आप उसमें, वो पता नहीं कहां से मतलब दवाई उनके हाथ लग गई, वो खाली दो बच्चों ने। अब कैसी हालत है? अब हालत तो ठीक है, काफी आराम है। तो डेथ हो गई थी? जी एक ही हो गई है। दो साल नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं कह सकते फिलहाल इस बारे में। इस वक्त पूरे देश में छठ पूजा की धूम है। चार दिन के होने वाले छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां एक तरफ स्थाई और अस्थाई घाट पर पूजा की तैयारी हो रही है। बता दें कि आज घाट पर जाकर सभी छठ मनाने वाले लोग घाट पर पहुंचकर संध्या में डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। वही मटियाला इलाके के नन्हे पार्क में कॉलोनी की गलियों में ऐसा छठ घाट बनाया गया है जो कि सभी घाटों से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, नहाए खाए के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज उस पर्व का तीसरा दिन है। इस दौरान सभी घाटों पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। और आज चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व का तीसरा दिन है, जहां आज शाम को घाटों पर पहुंचकर जो सभी व्रतधारक महिलाएं हैं, ये यूं कहे कि जो व्रतियां हैं वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इसके साथ ही अपने पति और बेटे की दीर्घायु की कामना भी की जाएगी। तो पूरे देश में जहां एक तरफ वर्ल्ड कप को लेकर लोगों का जोश हाई है, तो वही दूसरी तरफ छठ का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और पूरे देश में छठ की पूजा की धूम देखने को मिल रही है। घाटों पर साफ सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि आज शाम को महिलाएं घाटों पर पहुंचेंगी। डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हुई भी महिलाएं नजर आएंगी। तो देखिए, पूरे देश में आज छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। तीसरे दिन आज सभी व्रतधारक महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी, जिसके लिए घाटों पर तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो अब से थोड़ी ही देर बाद घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, दिन छोटा होने लगा है और सूरज भी जल्दी डूबेगा। यही वजह है कि घाटों पर महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए प्रशासन ने हर एक पुख्ता इंतजाम घाटों पर किया है। सफाई से लेकर के सुरक्षा से लेकर हर एक दृष्टि के मद्देनजर जो पुलिस है वो सक्रिय नजर आई है, जिला प्रशासन अलर्ट नजर आए हैं। देखिए, मुख्य रूप से ये त्यौहार सूर्य उपासना के लिए किया जाता है, ताकि पूरे परिवार पर भगवान सूर्य का आशीर्वाद बना रहे। और साथ ही ये व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। और इस व्रत को लेकर ये मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो प्रयागराज से पवन पटेल इस वक्त छठ घाट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, नहाए खाए के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज तीसरा दिन है। आप इस वक्त छठ घाट पर मौजूद है जहां महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी, तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं पवन? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आज पूरे प्रयागराज में लोक आस्था के महापर्व, सूर्य उपासना के महापर्व की जो है वो छठा देखने को मिल रही है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है और प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर आज लाखों श्रद्धालु कह लीजिए, लाखों भक्त कह लीजिए, छठी मैया का व्रत है वो रखे हुए हैं और पूजा पाठ का दौर है वो जारी है। हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको, ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की और देखिए किस तरीके से आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए सूर्य जो है वो डूबने की स्थिति में है और आज का जो पर्व है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं किस तरीके से घाट पर ये बेदी बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है, पुलिस की टीमें लगातार घाटों पर जो है भ्रमण कर रही है किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। अब तस्वीरों की हम बात करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। छठी महिला जो व्रती महिला से पूजा अर्चना करती हुई नजर रही है, तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाता था कि महापर्व छठ पर्व की जो धूम है वो प्रयागराज में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अगर हम लोगों की बात करें तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग हैं जो घाट पर आए हुए हैं और जिस तरीके से आते हैं वो भी तस्वीरें हम सब ने देखी है कि लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए विधि विधान से पूजा करने के लिए घाट पर आते हैं। घाट पर भी तमाम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो छठ पर्व है वो मनाया जाता है। आप लोग घाट पर आए हैं, आज छठ पर्व है, किस तरीके से आप लोग बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि छठ अब जो है पर्व तो रह नहीं गया है, ये महापर्व हो गया है। ठीक है, हम लोगों का ये त्योहार जो है केवल इंडिया में ही नहीं, कैलिफोर्निया, सिडनी, यूएसए सभी जगह मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि केवल इंडिया का त्योहार, बिहार का त्योहार ऐसा बोला जाता था, बट अब ये क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, सभी जगह पे मनाया जा रहा है और उसी विधि विधान से सभी लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी और तरीके से मनाते हैं, सारे लोग जैसे बिहार में पर्व मनाया जाता था वैसे ही इस पर्व को पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड। ये है और हम लोग भी यही करते हैं कि संध्या अर्घ है आज, जैसा कि आप देख सकते हैं आज संध्या अर्घ है, तो हम लोग संध्या अर्घ देने के बाद फिर यहाँ से वापस जाएंगे घर, फिर सुबह सुबह प्रातः काल मतलब सूर्य उगने के बहुत पहले हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और फिर हमारी कोसी भरी जाएगी, उसके बाद हमारा पूजा अर्चना स्टार्ट होगा और अंततः कल का जो हमारा स्नान करके और अर्घ देने के बाद सारी बर्तिन अपना पारण करेंगी और व्रत को पूरा करेंगी, उसके बाद ही अन्न लेंगी वो ग्रहण करेंगी। ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें देखिए साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की जो धूम है वो प्रयागराज में है। हालांकि सही बात है कि पहले ये कहा जाता था कि ये पूर्वांचल का त्योहार है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आती है ऐसे में यह देखा जाता है कि पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जो घाट पर आए हुए हैं। सर आप भी घाट पर आए हुए हैं, आज छठ पर्व है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है सर, और हम भी अपने मित्र मंडली के साथ यहाँ आए हुए हैं, भैया हमारे बगल के हैं उसमें इनवाइट थे तो उसमें मैं आया। और भी लोग हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है, आप लोग यहाँ पर घाट पर आए हैं और किस तरीके से चुकी है लोक आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का महापर्व, क्या कहेंगे? छठ पूजा महापर्व पूजा है और ये आस्था और बच्चों के दीर्घायु के लिए किया जाता है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व पूजा है ये, जय हो छठी मैया। देखिए और भी लोग हैं, एक तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं विधि विधान से, किस तरीके से मना रही है वो डूबते हुए जब सूरज को अर्घ देंगी तो क्या कुछ विधि विधान का वो पालन करेंगे इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए हम और भी लोग हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हैं विधि विधान से पूजा कर, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग डूबते सूर्य को अर्घ से रहती है
जिससे हमें मनोकामना पूर्ण भी होती है। इससे बहुत अच्छी है छठ माई, सब करें इसको, फलदायक होती है। अब ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो व्रती महिलाएं हैं वो डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, और जो इसकी मान्यता है कि डूबते सूर्य को कल जब सूर्य उदय होगा तो फिर से यही व्रती महिलाएं इसी घाट पर आएंगी, डूबते उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। और किस तरीके से ये पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से इसका विधि विधान है, तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। हम इससे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ पर पूजा कर रही है, किस तरीके से ये व्रत मनाया जाता है? ये 3 दिन का त्योहार होता है, खरना से स्टार्ट होता है। 3 दिन की हमारी व्रत रहने वाली महिलाएं उपवास रखती है बिना कुछ खाए पिए, और सुबह ये व्रत पूरा होगा, और कल शाम से व्रत खरना से खीर के से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और एक तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये महिलाएं जो है, जो व्रती महिलाएं हैं, वो किस तरीके से घाटों पर आती है, किस तरीके से ये पूजा पाठ की जाती है, किस तरीके से विधि विधान है, वो तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। अगर हम सूर्य की बात करें तो देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है। मतलब ये जो इसकी मान्यता है वो ये है कि डूबते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, तथा कल विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण करेंगी। अब यहाँ पर व्रती महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये जो व्रत है ये मनाया जाता है। दीदी, आप आई है घाट पर, किस तरीके से व्रत मनाया जाता है? जी, ये छठ का पर्व जो है 3 दिवसीय पर्व है, इसमें 2 बार अर्घ दिया जाता है, शाम को जो अभी हम लोग देंगे, उसके बाद सुबह से देंगे, उसके बाद से पारण होगा, उसके बाद से ये समाप्त हो जाएगा। और बच्चे भी हैं, हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो बच्चों में उत्साह है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बच्चों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी। हम बच्चों से भी बात करेंगे। आप लोग घाट पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आज आप लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ किया है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और भी लोग हैं, हम आप उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की जो है विधि विधान है पूजा अर्चना की। आप घाट पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। किस तरीके से ये व्रत मनाया जाता है? इस व्रत को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत महाभारत स्टार्ट होने वाली थी, उस पर व्रत को द्रौपदी ने भी किया था, और सूर्य भगवान को खुश करने के लिए इस व्रत को कर्ण ने भी किया था। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए मुस्कान, साफ तौर पर नजर आ रही है कि संगम नगरी प्रयागराज में जो त्योहारों पर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ था। घाटों की साफ सफाई कराई जा रही थी, तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जा रहे थे। क्या सभी इंतजाम इस वक्त आपको छठ घाटों पर देखने को मिल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर हम देखिए व्यवस्थाएं की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम तट है, और संगम तट पर लाखों जो श्रद्धालु कह लीजिए, वैसे तो हर दिन वहां पर गंगा और यमुना के अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है, घाटों पर साफ सफाई कराई गई है, घाटों को समतलीकरण कराया गया है, विद्युत की व्यवस्थाएं कराई गई है। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस जगह हम वहां पर मौजूद है, ये प्रयागराज का यमुना पार क्षेत्र है, और यहाँ पर वो तमाम व्यवस्थाएं आपको वो नजर आएंगी कि लोग है वो संतुष्ट है। और भी लोग हम उनसे भी बात तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नहाए खाए का त्योहार छठ, और आज छठ पर्व का 3रा दिन है, जहां आज महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इसके साथ ही कल भोर सुबह ही महिलाएं इन्हीं घाटों पर पहुंच जाएंगी, इसके साथ ही वो विधि विधान से उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी और अपना व्रत समाप्त करेंगी। तो छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो अब दुनिया भर के कोने कोने में मनाया जाता है। पहले ये त्योहार मुख्य तौर पर बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब छठ का पर्व देश के अलग अलग कोनों के साथ ही विश्व के कई अलग अलग कोने हैं जहां पर बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत अगर पौराणिक मान्यताओं का जिक्र करें तो छठ पूजा की जो शुरुआत हुई थी वो सूर्यपुत्र
कर्ण की थी, और कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। और छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से सबसे पहले हुई थी, और कुछ प्रचलित कथाओं से इस बारे में पता भी चलता है। इतिहास बिहार से जुड़ा है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए भी छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब भी द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, और इस व्रत से द्रौपदी की मनोकामनाएं भी पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की थी, और वहीं इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और भगवान सूर्य की पूजा भी की थी। इसलिए छठ के इस पर्व को माताएं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। और आज देश के अलग अलग कोने में, ये यूं कहें कि दुनिया भर के अलग अलग कोने में इस पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर लगातार कई ऐसी मान्यताएं हैं, कई ऐसी कहानियां भी महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। इस व्रत को लेकर ये कहा जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट और अपना सभी संपत्ति जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था, जिसके बाद पांडवों को सब कुछ जुए में हारा हुआ वापस मिल गया था, और तब से ही इस पर्व की शुरुआत हुई थी। और इतिहास पर अगर गौर करें तो इतिहास और हमारे तमाम पुराण भी यही कहते हैं कि इस पर्व की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी, और यही वजह है कि इस पर्व को बिहार में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और इस पर्व को नहाए खाए के साथ शुरुआत की जाती है। तो 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। इस अंतराल पे 36 घंटे तक महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए। जो महिलाएं हैं वो 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहती है। इसके साथ ही इस पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हुई है, और आज 19 नवंबर है, और आज इस पर्व का तीसरा दिन है। वहीं कल यानी कि सोमवार के दिन सुबह प्रातः भोर में महिलाएं फिर घाटों पर जाएंगी, जहां उगते हुए सूरज को अर्घ देकर महिलाएं इस व्रत का समापन करेंगी। और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, और इस पर्व को नहाए खाए के साथ शुरू किया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का व्रत काफी कठिन होता है, और छठ पूजा में महिलाएं अपने पति और अपने परिवार और साथ ही बच्चों की लंबी आयु के लिए तकरीबन 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहती हैं। इसमें कुछ खास नियम भी होते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, जिसके लिए जिला प्रशासन भी लगातार सक्रिय नजर आया। छठ घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, और जहां पर महिलाओं को अर्घ देना है उस नदी को भी साफ किया गया है। छठ पूजा के समय प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों की अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए। इन अनाजों को घर पर ही धोकर कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। अब दीपक कानपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी और तस्वीरों के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए आज नहाए खाए यानी कि छठ महापर्व का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन जो महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं वो छठ घाटों पर पहुंचती हैं, जहां वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। इस वक्त आप घाट पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें कानपुर में देखने को मिल रही हैं दीपक? तारीख से चालू हो गया था, और जो है उसके बाद ये अक्सर देखा गया बिहार से जो है ज्यादा मनाया जाता है, और बिहार से लेके अब कानपुर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मनाया जाता है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में घाटों में इस समय काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं जो हैं उनका 36 घंटे का व्रत रहता है, और काफी कठिन ये पर्व माना जाता है। महिलाएं व्रत रहती हैं और अपने परिवार के लिए जो है सही रहें, सुरक्षित बने रहें, इसको लेकर जो है महिलाएं व्रत रहती हैं, उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं, इसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन भी लगातार घाटों पे देखी जा रही है, घाटों की साफ सफाई भी की गई, नगर निगम के अधिकारी भी लगातार घाटों की सफाई करवाने में लगे रहे, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, और छठ पूजा का कार्यक्रम जो है लगातार शुरू है जी। लेकिन दीपक देखिए, छठ घाट की एक वो भी तस्वीर दो दिन पहले कानपुर से सामने आई थी, जहां छठ घाट पर गंदगी का अंबार देखने को मिला था। ऐसे में बड़ा सवाल नगर निगम पर उठाया गया था कि आखिर जब जो जहां पर महिलाएं व्रत का पारण करने जाएंगी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने जाएंगी, अगर वो घाट इतने गंदे होंगे तो आखिर महिलाएं वहां पर अपना जो व्रत है वो समाप्त कैसे करेंगी, उसका समापन कैसे होगा? ऐसे में जो तस्वीरों से हम लगातार रूबरू हुए थे, उस घाट का हाल कैसा बताया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्राइम टीवी ने प्रमुखता से घाट गंदगी वाले घाट की खबर दिखाई थी, उसके बाद जो है
नगर निगम के जो अधिकारी थे वो आनंद फानंद में आए और वो घाट पे पहुंच के तुरंत वहां जो है साफ सफाई करी। हालांकि साउथ में दक्षिण में आता है ये घाट गोविंद नगर का था, जहां पर वहां जो है महेश त्रिवेदी के विधायक हैं वो भी निरीक्षण करने पहुंचे, तो इसके बाद लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई, की फटकार लगाने के बाद अधिकारियों ने वहां साफ सफाई कराई। अब घाट जो है पूरी तरह से सुंदर बना दिया गया है, लोग औरतें वहां महिलाएं पहुंची हैं अपना व्रत पूरा करेंगे और इसके बाद जो है उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे और अपने परिवार के लिए अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो है ये व्रत रखा जाता है पूरा जी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए छठ पर्व को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, डूबते हुए सूरज को आज महिलाएं अर्घ्य देंगी। इसके साथ ही सोमवार की सुबह महिलाएं उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हुए इस व्रत का समापन करेंगी और इस व्रत में 36 घंटे तक महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं अपने परिवार अपने पति और अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे भविष्य के लिए। इस दौरान महिलाएं साफ सफाई का विशेष ख्याल रखती है क्योंकि छठ पर्व को लेकर के तमाम तरीके के कई ऐसे नियम भी है जिनको पालन करना बेहद ही जरूरी माना गया है। तो देखिए छठ पूजा में साफ सफाई का महिलाओं को विशेष ख्याल रखना होता है। छठ पूजा के समय प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले सभी चीजों की जो सफाई है वो अच्छे से होनी चाहिए और जिन अनाजों का इस्तेमाल इस पूजा के दौरान करना होता है महिलाओं को उनको उन अनाजों को घर पर ही धोकर कूटकर और पीसकर बनाना होता है। छठ का प्रसाद बनाते समय चूल्हे का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इन चारों दिन प्रसाद के लिए नए चूल्हे का ही प्रयोग करना चाहिए। चूल्हा ऐसा होना चाहिए जो कि रोज लीपा जा रहा हो, तो व्रत इतना आसान नहीं होता है। जहां एक तरफ महिलाएं 36 घंटे निर्जला उपवास रखती है तो उन्हें इस पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन भी करना होता है। 36 घंटे तक महिलाएं अपने पति अपने घर और अपने बच्चों की दीर्घायु और अच्छे भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है, तो वहीं महिलाएं 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को भी रहती हैं। वहीं आज इस पर्व का तीसरा दिन है, 17 नवंबर से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज तीसरा दिन है जहां महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। इसके साथ ही प्रातः सुबह सोमवार को महिलाएं उठेंगी घाटों पर पहुंचेंगी और साथ ही उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी। विधि विधान से पूजा अर्चना घाट पर ही करेंगी जहां से इस व्रत का समापन हो जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम